सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन है हमारा उसे हम राइट करेंगे सो so, हमारे पास गिवन टर्म्स है आई एन की एक टर्म्स गिवन है जिसे हम राइट करेंगे वो टर्म्स है हमारे इंटीग्रेशन ओवर जीरो टू फाइव बाई फोर साइन टॉइसन माइनस वन इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स ओके ये हमारे यहाँ पे टर्म्स गिवन है जैसे तो हमने यहाँ पे राइट किया है अब हमें जो प्रूफ करना है प्रूफ में देखेंगे तो यहाँ पे यन इंटू आई एन प्लस वन माइनस आई एन उन दो टर्म का हम यहाँ पे सब्ट्रेक्शन करना है तो हमारे पास आई एन टर्म्स यहाँ पे गिवन है आई प्लस वन टर्म्स हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे सबसे पहले आई प्लस वन इस टर्म को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम राइट करेंगे आई प्लस वन इस टर्म को हम अब किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे हमारे पास टर्म्स गिवन यहाँ पे आई तो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे यन की वैल्यू रिप्लेस करेंगे से That means, इस इंटीग्रेशन में जहां पे भी हमें दिखाई देगी वहां पे हम सिंपली रिप्लेस करेंगे प्लस वन. तो यहाँ तो से इंटीग्रेशन और जीरो से फाइव बाई फोर एज इट इज आ जाएगा उसके बाद साइन अब ब्रैकेट में हमारे पास टर्म्स है यहाँ पे यन तो यहाँ पे हमें यन की वैल्यू रिप्लेस करना यन प्लस वन से तो यहाँ पे टू एज इट इज टू इंटू यन तो की जगह पे हम राइट करेंगे यन प्लस वन और यहाँ पे माइनस वन इंटू एक्स एज इट इज हो जाएगा अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आई एन प्लस वन की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी इंटीग्रेशन ओवर जीरो से फाय बाई फोर साइन अब हम यहां से टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू यन विच इज ट्वाइस एन प्लस टू इंटू वन विच इज टू माइनस वन इंटू एक्स अपॉन डिनोमेटर में यहाँ पे साइन एक्स सो फाइनली यहां से हमें आई एन प्लस वन की वैल्यू मिल जाएगी आई एन प्लस टू इंटीग्रेशन और जीरो से पाई बाय फोर न्यूमरेटर में वैल्यू मिल जाएगी साइन टॉइसियन तो यहाँ पे प्लस टू माइनस वन प्लस टू माइनस वन विच इज प्लस वन इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स तो से हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है आई एन प्लस वन की और जो वैल्यू हमें मिल चुकी है इंटीग्रेशन यहाँ से आई एन के टर्म्स मिल चुके हैं तो हम इन दो टर्म्स का हम यहाँ पे करेंगे तो किस प्रकार से ऐड करेंगे सो so हियर इन दो टर्म का हम सब्ट्रैक्शन फर्स्ट एड करेंगे हम आई एन प्लस वन माइनस आई एन ओके अब हमारे पास दोनों टर्म्स टर्म टर्म है फर्स्ट हम आई एन प्लस वन टर्म राइट करेंगे आई एन प्लस वन टर्म्स हमारे पास है इंटीग्रेशन और जीरो से पाई बाय फोर साइन साइनस प्लस वन इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स ओके okay. ये हमारी आई एन प्लस वन टर्म्स है यहाँ पे हम डीएक्स राइट करना भूल चुके हैं तो यहाँ से डीएक्स होगा यहाँ पे भी डीएक्स होगा यहाँ पे भी डीएक्स होगा

अब दो टर्म्स हम इंटीग्रेशन को यहाँ पे कॉमन करेंगे कंबाइन करेंगे एक ही टर्म्स में राइट करेंगे और दोनों का सब्ट्रेक्शन से तो यहाँ पे डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर हम एक ही बार राइट करेंगे तो यहां से हमें आई एन प्लस वन माइनस आई एन की वैल्यू मिल जाएगी दो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन को हम कंबाइन करेंगे एक ही इंटीग्रेशन में जीरो से फाइव बाई फोर तक और दोनों टर्म्स राइट करेंगे लेकिन दोनों टर्म्स का डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर एक ही बार राइट करेंगे और न्यूमरेटर का सब्ट्रेक्शन करेंगे बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है तो न्यूमोरेटर की दोनों टर्म्स हम यहाँ पे राइट करेंगे तो फर्स्ट टर्म की न्यूमोरेटर के यहाँ से साइन ट्वाइसियन प्लस वन इन टू एक्स माइनस यहाँ से टर्म थी साइन ट्वाइसियन माइनस वन और अपॉन में डिनोमिनेटर में साइन एक्स हमारा एज इट इज आ जाएगा हमने सब्ट्रैक्शन किए और उसके साथ राइट करेंगे हम यहाँ पे डीएक्स अब इसको हमें सॉल्व करना है सिंप्लीफाई करना है अगर हम पे न्यूमरेटर में देखेंगे इंटीग्रेशन की तो यहाँ पे टर्म्स गिवन है साइन टॉयसेन प्लस वन तो इसको minus one x, तो पे x है. तो पे है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ रूल्स है साइन ए माइनस साइन बी तो यहाँ से साइन ए और यहाँ से साइन बी ऐसा हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है टू इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू ओके लिए हम यहाँ पे जो ये उसे हम अगले करेंगे और उसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो पे हमारी टर्म्स तो टर्म 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 थी आई एन प्लस वन माइनस आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन था जीरो से फाइव बाई फोर न्यूमर में हमारे पास टर्म्स थी साइन 2n प्लस वन इंटू एक्स माइनस साइन माइनस वन एक्स साइन एक्स डीएक्स यही हमारे टर्म्स थी हम एक बार फिर से चेक करेंगे हमने जो टर्म्स राइट किया है वो बरोबर -बर है कि नहीं तो साइन ट्वाइस एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस साइन टॉइस एन माइनस वन ए टर्म्स हमने यहाँ पे राइट किया है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर है वहां पे हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन ए माइनस साइन बी का उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे राइट करेंगे इसको करने के हम राइट करेंगे, करेंगे और फॉर्मूला हमारा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा टू इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू तो इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है हम किस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा आई एन प्लस वन माइनस आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और जीरो टू पाई बाई फोर अब हम यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई करना है फॉर्मुला में क्या एड करना है साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 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 इंटू कॉस अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू राइट करेंगे दोनों में X है, तो X में करेंगे, और दोनों माइनस वन इस प्रकार से हमने राइट किया है अपॉन में डिवाइड में हमारे पास कौन सी वैल्यू यहाँ पे टू और एक्स हम कॉमन राइट करेंगे विच इज एक्स इन टू हो के टर्म उसके बाद है हमारी के अपॉन अपॉन में डिनोमीटर में यहां पे कौन सी वैल्यू है टू वैल्यू है ओके और इन एक्स और उसका होल डिवाइड करेंगे होल डिवाइड में हमारे पास कौन सी टर्म्स है यहाँ पे साइन एक्स टर्म्स है इंटीग्रेशन का लिमिट ओके, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, 0 से प्लस वन तो और माइनस वन यहां से कैंसिल हो जाएगा उसको हम कैंसिल करेंगे यहाँ पे प्लस वन माइनस वन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में भी

वन प्लस वन टू टू अपन टू विच इज वन वन x, एक्स इज एक्स हो जाएगा अपॉन डीनोम में से साइन एक्स डी एक्स अब यहां से हम देखेंगे से कौन सी से हो रही है हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे साइन एक्स साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा सो दैट इंप्लाइज दैट यहाँ से आई एन प्लस वन माइनस आई एन की वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन और जीरो से फाइव बाई फोर वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे टू इंटू कॉस ट्वाइस एन एक्स डीएक्स ओके okay? तो अब हमें सिर्फ या, या से इसका इंटीग्रेशन साइड करना है तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आई एन प्लस वन माइनस आई एन इज इक्वल टू यहाँ पे जो टू है तो कॉन्स्टेंट टू है तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर एड करेंगे और ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन राइट करेंगे कॉस और एन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन होता है और टॉइस एन एक्स एज इट इज और साइन के साथ कोई टर्म्स है तो उसका हम डेरिवेटिव तो राइट करते हैं डिनोमेटर में

तो यहाँ पे हमें लिमिट पुट अप करना है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाय तो यहां से बन जाएगा साइन टन पाई बाय फोर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे की वैल्यू ही हो जाती है तो हम एज इट इज राइट करेंगे तो यहां से जो डिवाइड में यहाँ पे मल्टी डिवाइड यन है तो ट्रांसफर करेंगे तो यहां से मल्टीपल एन हो जाएगा सो तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें यन इन, इन, इन टू आरएचएस में जो एल एच एस में जो टर्म्स है आई एन प्लस वन माइनस आई एन उसे हम एज इट इज राइट करेंगे इज इक्वल टू यहां से टू इंटू वन टू इंटू टू फोर साइन ये टू बच जाएगा यहाँ पे बिकॉज हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में टू था और डिनोमिनेटर में फोर था यहाँ से टू को कैंसिल किया और यही हमें प्रूफ करना था यन इंटू आई एन प्लस वन माइनस आई एन इज इक्वल टू साइन यन पाए डिवाइड बाय टू हम यहाँ पे देखेंगे ओके okay, यहां पे यही हमें यहां पे शो करना था ओके ओप ऑल यू अंडरस्टैंड थैंक यू